हेलो गाइस, दिस इज आकाश। आप देख रहे हैं एपीआर टॉक यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ टेक्निकल गुरुजी को। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आईज से। आप चाहे तो हेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अब जब भी आईज ड्रॉ करते हैं तो आपको एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आईबॉल में जो हाईलाइट होते हैं, जो लाइट पड़ने की वजह से होता है, वो हाईलाइट आप ज़रूर दें। एकदम से पूरा ब्लैक ना करें, क्योंकि उससे हाइलाइट्स पता नहीं चलता है। और आप वहाँ पे जब वाइट एरियाज छोड़ते हैं जो हाईलाइट होते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा निखर के आता है स्केच। वो भले आपको पता ना चले और देखने में वो ज़्यादा हाईलाइटेड ना लगे, पर वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक स्केच में, एक पोर्ट्रेट में। तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो आईबॉल हैं उस पर आप हाईलाइट ज़रूर दें, वहाँ पर वाइट एरियाज ज़रूर रखें। फ़िलहाल मैं आई के सराउंडिंग पार्ट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, 4B पेंसिल यूज़ करके हल्का डार्क कर रहा हूँ। और अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ फेस को। तो फेस टोन काफ़ी हल्का होता है, आप चाहे तो हल्का डार्क भी कर सकते हैं। एकदम से लाइट मत छोड़िएगा। फेस में हाइलाइट्स देने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा डार्कनेस लाएँ स्केच में, और जो हाईलाइट्स एरियाज है उसे काफ़ी अच्छे से देख के ध्यान से और हाईलाइट दें, क्योंकि हर एक हाईलाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक स्केच में। और जो खास करके स्पेशली नोज़, आइज़ और लिप्स में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि वो कहाँ पे उभरा हुआ पार्ट है और कहाँ पे हल्का डाउन पार्ट है। तो फ़िलहाल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर्स को सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके। मैंने आईबॉल और आईब्रो को भी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ किया था, और फिलहाल हेयर्स भी उसी से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होता है और काफ़ी देखने में अच्छा लगता है एक स्केच में। और गाइस, हेयर्स में भी हाइलाइट्स काफ़ी अच्छे से दें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एकदम से पूरा ब्लैक ना करें। और अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मूछों को। तो मूछ, दाढ़ी या फिर हेयर आप जब भी ड्रॉ करते हैं, तो उसमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि उसमें बाल जिधर भी, जिस डायरेक्शन में भी मुड़े हुए हैं, उस डायरेक्शन में ही आपको स्ट्रोक्स लगाना है, और हल्का छोड़ छोड़ कर स्ट्रोक लगाइएगा, ताकि जो पार्ट्स छूटे हुए हैं, जिसमें जो हाइलाइटेड पार्ट्स हैं, वो काफ़ी पता चले, काफ़ी निखर के आए। एकदम से पूरा ब्लैक करने से वो काफ़ी हल्का अजीब टाइप से लगता है, तो उसमें हाइलाइटेड पार्ट्स को ज़रूर छोड़ें। और उसके बाद मैं चारकोल यूज़ करने के बाद मैं एक बार ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि कुछ कुछ पार्ट्स जो ज़्यादा छूट गए थे वो मेकअप हो सके। और अब मैं स्किन टोन को हल्का सा डार्क और कर रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया था और उसमें हाईलाइट्स ज़्यादा अच्छे से पता नहीं चलता। तो अब मैं नोज़ के पार्ट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, और हाईलाइट करने से मैं आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है कौन सा पार्ट में ज़्यादा हाईलाइट करना है। और मैं यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगा एक अप्सरा का इरेजर, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अप्सरा का ग्लास मार्कर हाईलाइट करने के लिए। और अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ टी शर्ट को। टी शर्ट वाइट था, फिर भी मैं हल्का सा उसमें एक लेयर दे रहा हूँ, ताकि वो बैकग्राउंड से हल्का अलग लगे। और अब मैं जो हाइलाइटेड पार्ट्स है टी शर्ट में, वो ड्रॉ कर रहा हूँ। और गाइस, जब भी आप क्लॉथ ड्रॉ करते हैं, तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है अच्छे से, कि उसमें जो मुड़े हुए पार्ट हैं या फिर जो टी शर्ट के पार्ट्स हल्का बाहर के साइड आ गए हैं, उसे हाईलाइट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हाईलाइट करें, तो डार्क एरियाज के बगल में, जहाँ पर भी डार्क एरियाज हैं उसके बगल में आप एक वाइट टोन ज़रूर रखें, ताकि वो हाइलाइटेड लगे। सिर्फ ब्लैक करने से वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं पता चलता है, आप उसके साथ में, उसके बगल में वाइट ज़रूर रखें। आप या तो हल्का इरेजर से मिटा दें, या फिर आप उस एरियाज को वाइट ही छोड़ सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक यूट्यूब का लोगो बना दे रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को टेक्निकल गुरुजी के फैंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पसंद आए ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।